हाँ गुरु पिछवाड़ा देना काम करिए अखबारा धैल हवा जी। आप चहनिया में सफाइयों का जत्था देखने को मिल रहा है, क्या है बात? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हम अपने चंदौली की जो ज्वलन समस्याएं हैं उनको उनका मांग पत्र उनका ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये लगातार चंदौली में कई बार से आ रहे हैं लेकिन यहाँ की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं। ये धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली, कोई धान की खरीद नहीं हो रही है। रबी की बुआई के लिए कोई खाद नहीं है, सड़कों पर दो दो फीट का गड्ढा है, कोई अस्पताल में न दवाई है न डॉक्टर है। यहाँ की बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ये कृषि प्रधान जिला है, कम से कम चंदौली के लोगों के साथ न्याय तो करें योगी जी। इसी यही ज्ञापन हम लोग को देने जा रहे हैं रामगढ़। अगर पुलिस नहीं मिलने देगी तो क्या करेंगे? पुलिस को नहीं मिलने देगी? हमारे मुख्यमंत्री हैं, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री, पुलिस इसमें कहाँ से आ गई? पुलिस तो अपने तनख्वाह से खाती जीती, हमारे चंदौली के किसान भाई कैसे खाएंगे पिएंगे? उनका मानना है कि आप विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन नहीं, हमारा ये ज्ञापन है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ मान्य और हम सभी समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी जनपद लगातार आपके आगमन के बावजूद जनपद के प्रमुख समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करा रहा है जिनका समाधान जल्द में हो सके। हम लोग जाएंगे मिलने, हमारे MP मिलने जाएंगे, क्या बात करते हैं।